हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी 2 के वीकेंड का वार में, जो कि 23 जुलाई का है और आज है 24। तो सलमान खान के शो में आज कंटेस्टेंट का मूड शुरुआत में काफी अच्छा रहा, क्योंकि सलमान का मूड अच्छा था। हालांकि सलमान खान अपनी टोंटबाजी से बाज नहीं आए। इस बीच सलमान खान मनीषा रानी को स्क्रिप्ट राइटर कहते दिखाई दिए, वहीं मनीषा ने भी इस स्टंट को स्माइल के साथ रिसीव किया गाइस। और ऐसा चलता रहा, उसके बाद हुआ इवेक्शन। सलमान खान अक्सर घर के सदस्य को इवेक्शन वाले दिन काफी सताते हैं और बहुत आराम से बताते हैं कि घर में कौन बेघर हो रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सलमान ने सीधा नाम लिया और खेल खत्म। दरअसल सलमान ने घर वालों के साथ एक गेम खेला, जिसमें उन्होंने घर वालों से पूछा कि आपको घर में ऐसा कौन सा सदस्य लगता है जो बिना मन के और बिना जीत के ही आकांक्षा के खेल रहा हो। ऐसे में ज्यादातर लोग फलक नाज का नाम लेते हैं। और फिर क्या था, जब मेजोरिटी में फलक का नाम आया तो ऐसे में सलमान ने फलक से कहा, चलो फलक, घर वालों का यही फैसला था, घर से बाहर आ जाओ। ये सुनकर सर का सिर चकराने लगा और हैरान होकर रह गए सभी। ऐसे में सलमान भोले बनते दिखे और बोले, मैं क्या करूं, आप लोगों का ही फैसला था। उस वक्त तक सबको लगा कि फलक के साथ सलमान मजाक कर रहे हैं, जैसे कि वो करते हैं और नाम किसी और का होता है, लेते हैं किसी और का, और वो अपनी तैयारी करने लगी जाने की फलक। इसी बीच अविनाश उनके पास आए और बोले कि पागल है क्या, ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी देखना सलमान भाई बोलेंगे मजाक था। फलक ये सुनते हुए गेट के पास पहुंच जाती है और गेट खुल जाता है। ऐसे में फलक घर से बाहर आ जाती है और इसमें हर कोई हैरान होता है। और जैसे ही फलक चली जाती हैं, उसके बाद सब कुछ कंटेस्टेंट रोते हुए भी दिखाई दिए। फलक के जाने के बाद जिया फलक के लिए काफी इमोशनल हो गई और वे बोली, जी जी क्यों ऐसे अचानक। तो वहीं अविनाश के चेहरे पर वो हताशपन और साफ नजर आ रहा था, कि बिग बॉस और घर के बाकी सदस्यों के भूमिका दुबे एक नाम है जो कि दिखाई दिए किरदार है। और सलमान खान भी हर वीकेंड के वार में उनको लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते ही हैं, और जरूर वो कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे तो टांग खिंचाई तो जरूर करते हैं। और बिग बॉस ओटीटी 2 में शामिल कंटेस्टेंट बेबिका ध्रुवे एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक फेस रीडर भी हैं। और हालांकि बिग बॉस के घर में न ही उनकी भविष्यवाणी काम आ रही है और न ही एक्टिंग। जी, ऐसा एक भी वीकेंड का वार नहीं हुआ जहां सलमान ने आए और उन्होंने बेबिका को डांट ना लगाई हो। अगर डांट से बच जाए तो उनकी टांग खिंचाई तो जरूरी होती है गाइज, लेकिन सलमान का वार झेलने के बाद भी बेबिका के बर्ताव में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते हुए वीकेंड का वार में दबंग खान ने बेबिका को नागिन और एनाकोंडा तक कह दिया था गाइज। हुआ यूं था कि बेबिका ने वीकेंड के वार में पीले रंग का घाघरी चोला पहना था। इस घाघरी चोले के साथ बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट ने माथा पट्टी भी लगाई थी। बेबिका का ये लुक देखकर सलमान खान उन पर टोंट कसने लगे और वो अपने को रोक नहीं पाए उन्हें नागिन कहने से, और कहा उन्होंने, बेबिका नागिन बनकर क्यों घूम रही हो, एनाकोंडा लग रही हो। सलमान की ये बात सुनकर सभी कंटेस्टेंट तो मुस्कुराने लगे, बट बेबिका ने कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर आगे सलमान ने बेबिका से पूछा कि क्या उन्हें नागिन शो में काम करना है, एकता कपूर के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में भी, क्योंकि वो काम कर चुकी हैं गाइज। तो उन्होंने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी सलमान खान ने बेबिका की बदतमीजी पर निशाना साधते हुए उन्हें कहा था कि अपनी बात को सामने रखने का एक तरीका होता है जो आपने नहीं सीखा। सलमान खान की बातों के बीच उन्हें टोकने के लिए भी बेबिका जमकर डांट खाती हैं। और बिग बॉस होस्ट ने उन्हें कहा था, बेबिका मैं बात कर रहा हूं यहां पर, आपको किसी ने इजाजत नहीं दी है बोलने की, जब मुझे अपनी आपकी राय जाननी होगी मैं आपसे पूछूंगा, मैं जैद या जिया या अविनाश नहीं हूं, उनका उदाहरण देते हुए कहा। और बेबिका ध्रुवे बिग बॉस के घर की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिना किसी वजह के घर में शोर भी मचाती हैं और सभी साथी कंटेस्टेंट को जो है कुछ भी कह देती हैं। और पूजा भट्ट का सपोर्ट मिलने की वजह से बेबिका किसी से डरती भी नहीं है। हालांकि पूजा भट्ट के कप्तान बनने के बाद बेबिका और उनमें कई बार किचन को लेकर काफी तुतु मैं हमने देखी है। जब पूजा भट्ट ने बेबिका से खाना बनाने को पहले सबकी राय लेने का एक सुझाव दिया, तब बेबिका उनसे गुस्सा हो गई
अब पूजा भट्ट का भी सपोर्ट छिन जाने के बाद क्या देखते हैं बेबिका बिग बॉस के घर में ज्यादा कितने दिन ठहर पाएंगी, फिर उन्हें एकता कपूर के नागिन में काम करना ही होगा। ये देखना सभी के लिए बहुत दिलचस्प होगा। और गाइज इस बार इतना ज्यादा मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, मैंने अभी वीकेंड के वॉर से ही देखना शुरू किया है, बाकी पहले के एपिसोड में भी मैं जरूर देखूंगी और फिर उसके बारे में अपनी राय भी आपसे शेयर करूंगी गाइज। और देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्लॉग्स वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक ही अकेला आदमी क्या कर सकता है, मैं अपने ऊपर तो व्लॉग नहीं बना सकती जब तक कि घर के सभी सदस्य ना रेडी हों। और इसलिए फिर मैंने अपना जो है मुझे जिसका ज्यादा दिलचस्प जो चीज लगती थी बॉलीवुड और हिस्ट्री और सबके बारे में जानना, ये सब मैंने आपसे शेयर करना शुरू कर दिया है गाइज। अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए तो मैं फिर वह कोशिश करूंगी कि कुछ और आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बिग बॉस की मैं काफी फैन हूं और हर एपिसोड मैंने देखा है, बट इस बार ये इम्पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट अब मैंने देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे सीरियल्स वगैरह कम पसंद है, मुझे बिग बॉस और रियलिटी शो जो होते हैं वो ज्यादा पसंद है, या न्यूज वगैरह मैं ज्यादा देखती हूँ गाइज। तो इसी वजह से बॉलीवुड का बहुत ज्यादा मुझे मतलब मेरा एक अलग वो रहता है बॉलीवुड के हर हीरोइन हीरो के बारे में जानने का, तो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ गाइज और कुछ सोशल मीडिया से भी उठा लेती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस प्रकार से बिग बॉस की जो है जो भी हुआ वो आपसे शेयर करूंगी। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ना लिखते हैं तो मैं नहीं करूंगी गाइज, पर आप लिखना तो शुरू करिए कमेंट बॉक्स में, कुछ कमेंट शुरू करिए गाइज। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि बात अब थोड़ा सा मुड़कर मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि बिग बॉस का ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ गाइज कि बहुत हो गया है हैदर सीमा हैदर सचिन सीमा सचिन के बारे में, और एटीएस अपना काम कर रही है और मीडिया को चाहिए कि अब और पहलुओं पर भी ध्यान दें। पहले ज्योति मौर्या या सब हो गया, बट उसके बाद अब थोड़ा उनको दूसरी साइड भी देखना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कुछ उसके और भी उनका ध्यान जाना चाहिए गाइज। फिर गाइज आप सोचेंगे कि इसने भी तो दो वीडियो बनाकर डाले हैं। हाँ, मैंने भी सीमा के ऊपर दो वीडियो बनाकर डाले हैं, वो इसलिए कि जो मुझे जानकारी है जो मेरे चारों तरफ हो रहा है मैं अपने फैमिली मेंबर्स सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूं, इस वजह से गाइज। बट अब तो हद ही हो गई है, हर जगह सीमा हैदर सीमा सचिन, और कितनी सारी तो मैंने उनकी जो है आईडी देखी है, वो उनकी है या किसी और की है पता भी नहीं गाइज। और मैंने एक वीडियो देखा था उसमें वो उन्होंने तहकीकात करके कुछ था चैनल, उसमें उनके जेठ और ससुर बोल रहे थे कि कुछ ने नकली वीडियो आईडी बना रखी है गाइज। तो गाइज आप बताइए बनाया था, तो आप लोगों का क्या कहना है आप जरूर कमेंट करिए प्लीज। आप कमेंट नहीं करते हैं बट आपको करना चाहिए, और मेरा तो यही मानना है गाइज कि इसका मीडिया जोर शोर से जिन जो भी लोग हैं उनको इसका मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, जो वो बोल रहे हैं हवलदार साहब उनको न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल, और ये होना चाहिए सबको पकड़ करके। अभी पीछे ही कोई उसमें लिंचिंग का मामला था, अभी जेल हुई है, तो इनको क्यों नहीं हो सकती। अगर ये बताइए कि मुंबई के पास वो जो साधु थे उनकी लिंचिंग का मामले में भी कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हुई है मतलब उनको नहीं मिली है सजा, तो मेरी तो यही मांग है कि उन्हें भी जल्दी सजा मिलनी चाहिए, और जो भी ऐसा करे उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो वो याद रखे, आगे करने वाला कोई ऐसे ना कर सके गाइस। अभी फिलहाल यही कहना था क्योंकि मेरे अंदर इतना भरा हुआ था इस मैटर को सुनकर, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या है, और वीडियो सुनकर आप भी अगर सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरह से वो बोल रहे थे कि क्या क्या हुआ, और देखने की हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता, पर वो हजार लोग मुझे उन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा वो आ रहा है कि बस आप सोच नहीं सकते गाइज। तो बस ये वीडियो मैंने जल्दी जल्दी जो भरा हुआ था मेरे अंदर मैंने आपसे शेयर किया है गाइज। पता नहीं अब मैंने कुछ सही किया या गलत किया, बट गाइज मेरे मन में जो था मैंने आपको बताया है, और तो आपसे शेयर करूंगी गाइज, मैं ये शेयर करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं हर बात को शेयर करूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है, और आप मेरी फैमिली है। तो गाइज
ये वीडियो मैंने ठीक बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है उन समुदायों के बारे में भी, बट मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उनके बारे में। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो भी कुछ होगा मैं आपको इस बारे में तो ज़रूर बनाऊंगी वीडियो।